नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आल ई मित्र सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान योजना के बारे में। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को आर्थिक सहायता के लिए 6000 रुपये की राशि दी जाती है ताकि किसानों की खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे किसान ऐसे भी हैं जिनके एक भी किस्त नहीं आई है और वो काफ़ी परेशान भी हो चुके हैं, क्योंकि जो उनका जब वो स्टेटस देखते हैं तो वहां पर लिखा होता है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। दोस्तों ये समस्या काफी सारे किसानों के साथ आ रही है और काफी सारे किसानों ने मुझे कमेंट भी किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाकर आप लोगों की समस्या का समाधान किया जाए। दोस्तों अगर आपकी भी इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या आपकी एक भी किस्त नहीं आई है या फिर आपकी फॉर्म में अन्य किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए बने रहे मेरे साथ और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों जब भी आपको पता है जब भी आप अपने आवेदन का स्टेटस देखते हैं तो सबसे पहले आपको जाना होता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर। और यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं, और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली जाना होता है फार्मर कॉर्नर के अंदर, और यहाँ पर दोस्तों आपको जाना होता है बेनिफिशियरी स्टेटस पर। दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह के तीन ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है आधार नंबर, दूसरा है अकाउंट नंबर, तीसरा है मोबाइल नंबर। दोस्तों आपको किसी एक की सहायता से यहाँ पर अपने आवेदन का स्टेटस देखना होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने किसान के आवेदन का स्टेटस यहाँ पर ओपन कर लिया है, और यहाँ पर यह आवेदक है यूपी से। और यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर दोस्तों आपको अपने आवेदन में जो चीज़ें देखनी होती हैं वो तीन चीज़ें यहाँ पर आपको गौर करने वाली चीज़ है, वो कौन कौन सी है दोस्तों वो आप गौर करके देख लीजिए। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो आपका आवेदन है वो एक्टिव होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर कर रहा है एक्टिव। अगर यहां पर इनएक्टिव है तो आपके पैसे नहीं आएंगे, यह बात आप तरीके से समझ लीजिए। दोस्तों यहां पर जो दूसरी चीज है तो वो है दोस्तों यहां पर बैंक स्टेटस। दोस्तों हमेशा बैंक स्टेटस आपका एब्सेंट होना चाहिए। अगर यहां पर रिजेक्ट वगैरह कुछ लिखा है तो आपके पैसे नहीं आएंगे। दोस्तों इन सारी प्रॉब्लमों पर मैंने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं, अगर आपके आवेदन में इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप वो वीडियो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर आधार स्टेटस। दोस्तों आपका जो आधार स्टेटस है वो वेरीफाई होना चाहिए, अगर आपका वेरीफाई नहीं है तो आपके पैसे नहीं आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर तीन चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट अगर आपके आवेदन में लिखा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, यानी कि जो पहली किस्त है वो आ चुकी है 24/4/2020 को, यानी कि इसी साल के चौथे महीने में। और यहाँ पर जो सेकेंड किस्त है वो अभी भी अप्रूव नहीं हुई है स्टेट लेवल से। दोस्तों यहाँ पर बात करें इनके बैंक स्टेटस के बारे में तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर जो पेमेंट फंड मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा जो इनका पेमेंट है वो 1 अप्रैल 2020 को अप्रूव करके यहाँ पर डाल दिया था पहली किस्त, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो दूसरी किस्त इन लोगों की नहीं आई है। अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर जो पेमेंट का मोड है यहाँ पर अभी आधार है, यहाँ पर दो तरह से आपका पेमेंट डलता है, एक तो आधार के तरीके से एक बैंक के तरीके से। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके अकाउंट नंबर वगैरह गलत हो जाते हैं तो आपके आधार के अकॉर्डिंग आपके आधार नंबर जिस बैंक में लिंक होते हैं उस बैंक में आपका पैसा भेज दिया जाता है। अब दोस्तों ये सारी बातें हो चुकी है, मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपकी इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है वेटिंग वाली तो दोस्तों आपके लिए समाधान क्या है। दोस्तों आप सभी को इस समाधान का हल बताने से पहले आप सभी को मैं एक डायग्राम के बारे में बताना चाहूंगा ताकि आप लोगों को तरीके से मैं समझा सकूं। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, और अगर आपके आवेदन में बैटिंग लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है। अब दोस्तों उससे पहले आप समझ लीजिए कि आपने अपना आवेदन का पंजीयन किया, उसके बाद दोस्तों जो आपका आवेदन होता है वो जाता है पटवारी वेरीफाई पर। दोस्तों पटवारी वेरीफाई पर जाने के बाद जो आपका आवेदन वेरीफाई हो जाने के बाद जो चला जाता है तहसीलदार के पास, यानी कि तहसीलदार जब उसे वेरीफाई करता है तो वो चला जाता है कलेक्टर ऑफिस, और वहाँ पर कलेक्टर साहब उसे वेरीफाई कर देते हैं। दोस्तों जब
कलेक्टर साहब उसे वेरीफाई कर देते हैं, तो उसके बाद वो आपका आवेदन स्टेट लेवल पर वेरीफाई होने चला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो वेटिंग वाई स्टेट अप्रूवल लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि जो आपका आवेदन है वो जिला कलेक्टर से तो अप्रूव हो चुका है, लेकिन यहाँ पर राज्य स्तर से अभी अप्रूव नहीं हुआ है सेकेंड किस्त के लिए। दोस्तों आप मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आवेदन की मैं बात नहीं कर रहा, मैं पेमेंट की बात कर रहा हूँ। आवेदन तो आपका कब का ही अप्रूव हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी सेकंड किस्त वो अभी वेरीफाई नहीं हुई है स्टेट लेवल की तरफ से। दोस्तों जब आपका जो पेमेंट स्टेट अगर वेरीफाई हो जाता है स्टेट लेवल से, तो उसके बाद दोस्तों आपका जो पेमेंट की स्थिति जाती है केंद्र लेवल पर, और उसके बाद दोस्तों आपके बैंक में पैसा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल भी होगा कि सर हमारे आवेदन में RFT या FTO जैसी कुछ चीज़ें आती है, तो इसका मतलब क्या है? दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके आवेदन में RFT शो करता है तो उसका मतलब है कि आपका आवेदन स्टेट लेवल से वेरीफाई होके केंद्र लेवल पर चला गया है। उसी प्रक्रिया को कहते हैं RFT। इसकी फुल फॉर्म होती है रिक्वेस्ट फंड ट्रांसफर। और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के FTO शो करता है। दोस्तों FTO का मतलब होता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर, यानी कि केंद्र सरकार ने आपके पैसे की अनुमति दे दी है और जो आपका पैसा है वो बैंक में डलने को तैयार है। दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अगर आपके वेटिंग फॉर अप्रूवल ऐसे कुछ चीज़ें दिखा रहा है तो आपको सिर्फ वेट करना है। तो दोस्तों हो सकता है लॉकडाउन की वजह से अभी थोड़ा समय लग रहा हो, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी जो लॉकडाउन खत्म होगा या फिर जब भी कार्यालय खुलेंगे, उसके बाद दोस्तों आपका जो आवेदन होगा वो आगे लेवल पर प्रेषित किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो पैसा होगा वो जल्द ही डाल दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है PM किसान योजना को लेकर, या आपके आवेदन में अन्य किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।